आप सभी का नव भारती परिवार में स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक रियल नंबर्स। रियल नंबर का ही एक पार्ट हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं आपको एक रीकैप दे देती हूँ रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो डेसिमल सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और p और q क्या है? इंटीजर्स। p एंड q बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन क्या होती है? एक रियल रेशनल नंबर की होती है, जिसमें वो डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता और p और q इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं रियल नंबर्स का? तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब आप समझना, जैसे कि हमें 2/3 हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल में आएगा, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी 2/10 का एग्जांपल लेते हैं, इजीएस्ट एग्जांपल 2/10 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो 2/10 अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.2 आएगा, ठीक है। एक डेसिमल बाद इधर आएगा ना, एक डिजिट बाद आएगा डेसिमल, तो यहाँ पे 0.2 आ गया आंसर। तो ये 2/10 क्या है इसका, सॉरी 0.2 2/10 का क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। और ये क्या है? इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 0.375/1000। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है हमें, यानी कि इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 100 को। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई नंबर 10 का मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल है ये, है ना, 10 का मल्टीपल है, 000 आ रहे हैं आगे तीन बार, तो क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से पॉइंट लगाओ आप, राइट हैंड साइड से कितने डिजिट छोड़ के? 3 डिजिट छोड़ के, तो 0.375, ये हमारा डेसिमल एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। अब एक तरह से और आ सकते हैं ये क्वेश्चन। एक तो पहला तरीका तो ये है कि आपको फ्रैक्शनल से डेसिमल एक्सटेंशन करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि आपको डेसिमल से फ्रैक्शनल आपको करना पड़ेगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं, 1.512 ये एग्जांपल है, इसको आपको ऐसे करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है आपको, ठीक है। हमने डेसिमल में लिया है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे? इसके नीचे क्या है अपने पास? 1 है, जिस भी जो भी पॉइंट वाले डिजिट है उसके नीचे क्या मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। डिनोमिनेटर 1 है, फिर क्या करेंगे हम? पॉइंट रिमूव करेंगे, तो 3 0 लगाएंगे, 1 2 3 3 0 आ गए। अब क्या हो गई है इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म? बहुत ही इजी है ये, बहुत इजी होते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो ये क्या आ गई इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था, इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म ही आ गई है। आपको दो तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको फ्रैक्शनल से डेसिमल में करना होगा और डेसिमल से फ्रैक्शनल में करना होगा, ये दो तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको इस तरह से सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके या फिर पॉइंट रिमूव करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब हम करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे अब। देखो दो चीजें हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो एक लिमिट के बाद वो रुक जाते हैं, मतलब फाइनाइट नंबर्स होते हैं ये। इसका मतलब मैं समझाऊंगी, ये फाइनाइट होते हैं, इनकी पोजीशन फाइनाइट होती है और ये इनफाइनाइट, मुझे कोई पता नहीं होता इनफाइनाइट, ठीक है। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं टर्मिनेटिंग को समझाने के लिए, जैसे 0.23, बस इसकी लिमिट यहीं तक है, ये फाइनाइट है, 0.23 पे जाके ये रुक गया है, इसके आगे ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये फाइनाइट पोजिशन पे है। तो ये कैसा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर। अब मैं एक नंबर लूंगी 0.23 2 3 3 2 3 3 3 2 and so on। अब इसके आगे डॉट्स लगा दी हमने, ये क्या मतलब है इसका कि ये इनफाइनाइट पोजीशन तक है, हमें नहीं पता ये कौन से नंबर पे जाके खत्म होगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट पोजीशन तक ही चलते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती कि किस पे एंड होंगे ये। और जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो एक लिमिट के बाद स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। ये नॉन रीअकरिंग होते हैं और ये रीअकरिंग होते हैं, मतलब ये बार बार, जैसे कि 2 3 2 3 3 बार बार 2 3 3 ये बार बार रीअकर हो रहे हैं और इनकी जो है पोजीशन भी चेंज हो रही है। पोजीशन इन द सेंस
देखो नंबर ऑफ डिजिट भी चेंज हो रहा है, 3-1 था, इधर 3-2 times आ गया, इधर 3-3 times आ गया, तो इस तरह से है। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि हमें इस डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखो हमने जैसे डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 1000 आ गया, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या नंबर आ जाएगा अपने पास में, 3 × 5 × 3 / 2 × 3 × 5 × 3। अभी कैसे आया इस चीज को समझना। देखो इसको हमने सिंप्लीफाई करा, इसको हमने एलसीएम लिया, इसका हमें पता चल गया कि ये है एलसीएम, ठीक है। अब 10 to the power क्या होता है, 10 to the power 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है, 1000 होता है। तो मैंने क्या किया, 10 के फैक्टर कर लिए, क्या होता है 2 × 5, ठीक है, 2 × 5 की पावर 3 कर दिया मैंने, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। और मैंने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया तो कितना आ गया, 3 × 5 की पावर 3। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, 5 × 3 से 5 × 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 / 2 × 3, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और इसका क्या रह जाएगा, ये 5 की पावर 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 3 / 2 × 3, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.01764, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 से इसको सॉरी इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने में कितने जीरो देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो देंगे, ऊपर 5 डिजिट थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1764 / इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका पहले इसका एलसीएम लेंगे, और इसका तो हमें पता ही है कि इसे क्या सिंप्लीफाई करने पाएगा, 10 to the power 5, 10 to the power 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 जीरो से, तो 10 to the power 5 आएगा। अब सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, 1764 को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यह देखो 1764 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। अभी 3 से कैंसिल हो, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नंबर्स को ऐड कर लो, 4 × 4 = 8, 8 × 1 = 9, तो 9 3 से डिविजिबल होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। अब वापस से ये 3 से होगा, 7 × 1 = 8, 8 × 4 = 12, तो ये वापस से होगा, तो 7 × 3 = 4 = 12 कितना बचा, 2 × 3 = 27। अब ये 7 से होगा, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, तो देखो क्या आ गया, ये 2 × 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर भी 2, 2 to the power 2, 3 to the power 2 एंड 7 to the power 2। अब एक चीज हमने जो पिछले क्वेश्चन में की थी, 10 को हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 5 × 2 = 10, तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 to the power 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 / 2 to the power 5 × 2 to the power 5। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में क्या करेंगे हम, पावर्स को सिंप्लीफाई करके कैंसिल करके हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 2 to the power 2 है, यहाँ की 2 की पावर 5 है, तो ये 2 की पावर 2 इससे कैंसिल हो सकती है। देखो इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 फिर 2 की पावर 3 रह जाएगा, 5 − 2 कितना होता है, 3, तो 3 × 7 · 2 × 2 / 5 × 5, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब चाहो तो इसको तुम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, पर हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इधर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 × 5 = 10, और इसका एलसीएम ले लिया हमने। चाहे तो हम इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, पर हमें जब रिजल्ट पता है तो हम फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें, डायरेक्टली रिजल्ट निकाला, 10 to the power 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या हम करेंगे, थ्योरम्स। थ्योरम में क्या है, आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता चलेगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको निकालने के लिए हम दो थ्योरम करेंगे,
जो कि इस फॉर्मेट में बेस्ड है, 2 की पावर m और इस तरह से 5 की पावर m, इस तरह से इस फॉर्मेट पे थोड़ा सा n बेस्ड है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे फाइंड करते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं? हम क्या करते हैं, अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो हम उसे चेक करते हैं कि वो रिपीट हो रहा है आगे या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो एक एग्जांपल मैं फ्रैक्शनल फॉर्म का देती हूँ, जैसे ये 2/10, तो इसका आंसर क्या होगा 0.2। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों है टर्मिनेटिंग? क्योंकि ये एक पॉइंट के बाद रुक गया, मतलब एक लिमिट के बाद ही रुक गया। ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है ये, ठीक है। यही हमें कोई नंबर लेते हैं 0.3333 कोई ऐसा, कोई डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इसकी हमें पोजीशन नहीं पता कि कहां तक इसका एंड होगा, तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो पहला तरीका ये है, ये मेथड नंबर 1 है फाइंड करने का कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। मेथड नंबर 2 है जो हम विदाउट डिवाइडिंग कर सकते हैं, हमारा डिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो हैव अ लुक। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दो एग्जांपल लेके बताऊंगी आपको। एक तो लेते हैं हम 3/8, एक नंबर लेते हैं हम 3/8, दूसरा नंबर लेंगे 5/3। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को चेक करो कि वो डिवाइड, कि वो उससे कोई फैक्टर्स है या नहीं है, मतलब उसके कोई को प्राइम फैक्टर्स है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है। तो 8 के हैं फैक्टर, क्या है, 2/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 × 4, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। पर इसको हम नहीं लिख सकते, हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है, हमने 8 को तो लिख सकते हैं इस तरह से, पर हम इसको नहीं लिख सकते। इसका आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करने पे, 1.3333 डॉट 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 डॉट, डिवाइड करने पे इसका आंसर क्या आया, 1.333। और अगर कोई नंबर, किसी नंबर का अगर डिनोमिनेटर ब्रेक हो रहा है, डिनोमिनेटर ब्रेक हो रहा है, तो वो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ब्रेक हो रहा है यानी कि अगर उसके फैक्टर्स है कोई, टर्मिनेटर लिख दिया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। और कोई नंबर जिसके कोई फैक्टर्स ही नहीं है, जो प्राइम नंबर है यानी कि जो डिवाइड नहीं होगा, हमने डिवाइड करके भी चेक कर लिया कि इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसकी कोई एंड ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ब्रेक हो जाएगा यानी कि उसके फैक्टर्स हैं, तो वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर, और जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। हमने इसका डिवाइड करके चेक भी कर लिया, 1.333। तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।